मंकी डी लूफी जिसका गोल है किंग ऑफ द पायरेट्स बनना और ऐसा करने के लिए उसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना होगा। एक टाइम के बाद लूफी ये समझ गया था कि उसकी रॉ स्ट्रेंथ इनफ नहीं है क्योंकि ओकेजी के एनकाउंटर पर लूफी को उसके और एडमिरल के बीच का पावर गैप समझ आ गया था। ऐसे तो लूफी स्टैंड कर पाने से रहा तो उसने फिर डेवलप किए गियर्स जो कि पावर अप्स है उसके और उसी की क्रिएटिविटी से बने हैं। वो लूफी के गियर्स उसे डिफरेंट एबिलिटीज देते हैं जो कि अलग अलग कंडीशन के लिए उसने बनाए थे। तो इस वीडियो में उन्हीं के बारे में कंप्लीट जानेंगे कि वो कैसे काम करते हैं और उनके ड्रॉबैक्स क्या है। तो ये वीडियो है टू पीस की, अभी तक तुम्हारे लिए वो आई नहीं है क्योंकि मैं ही लिख रहा हूँ। वीडियो में एंड तक बनी रहे और पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें ताकि नए नए लोग हमारे साथ जुड़ते रहें। बैक टू द वीडियो, जब लूफी को लगा कि अब पावर अप की जरूरत है तब आया हमारे सामने गियर टू जो कि उसने एनीस लॉबी में यूज किया था लूनो के अगेंस्ट में, जिसमें वो अपनी रबरी बॉडी का यूज करके अपनी बॉडी में ब्लड फ्लो को फास्ट कर देता है और जिससे उसको एक्स्ट्रा स्पीड और स्ट्रेंथ मिलती है। इसमें लूफी की बॉडी लाल हो जाती है और उसकी बॉडी से स्टीम निकलने लगती है। इस गियर का एक ही ड्रॉबैक है कि जब लूफी से ज्यादा यूज कर लेता है तो लूफी की बॉडी मूव भी नहीं कर पाती है। वो सब कुछ देख रहा होता है बट उसकी बॉडी में जैसे जान ही नहीं बची हो। अब लूफी जब इस गियर को रॉक लूची के अगेंस्ट में यूज कर तो वो बताता है कि इस पावर का यूज करने से लूफी अपनी बॉडी पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन डाल रहा है और उसकी लेग स्पैन कम हो जाएगी। रॉक लूची जो कि एक टॉप असैसिन है तो उसकी बात में कुछ तो दम होगा और काफी थ्योरीज भी ये मानती हैं कि लूफी जल्दी मर जाएगा, पर वो तो स्टोरी में आगे जाके पता चलेगा कि क्या होता है। गियर सेकंड को जब उसने पहली बार यूज किया था तो ये पावर अप ऐसा था जैसे हम सभी को सीरीज में उस टाइम चाहिए था। टाइम स्किप से पहले इसे यूज करने के लिए थोड़ा टाइम लेता था बट आफ्टर टाइम स्किप वो इसको इंस्टेंट यूज कर लेता था। नेक्स्ट है गियर 3, इसमें लूफी अपनी किसी भी बॉडी पार्ट में अब अप ग्लो करता है और जैसे कि वो रबर का बना है तो वो पार्ट बड़ा हो जाता है एक बलून की तरह और इससे उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाती है गियर 2 से भी ज्यादा। इसका यूज करके लूफी ने रॉ ब्लूची को कई बिल्डिंगों को हिट करते हुए दूर फेंक दिया था और इसका यूज करने के लिए अपने अंगूठे को बाइट करता है और उसमें हवा भरता है। इससे लूफी की बॉडी को भी काफी डैमेज पहुंचता है। टाइम स्किप से पहले जब लूफी इसका यूज करता था तो हमने देखा था कि कैसे वो एक बच्चे की तरह हो जाता है बट बाद में ट्रेनिंग करने के बाद ये कंडीशन में दोबारा देखने को नहीं मिली। लूफी गियर 3 में जैसे अपनी आर्म को बड़ा कर लेता है वो उस एयर को अपने दूसरी बॉडी पार्ट में भी भेज सकता है जिससे उसका पैर भी जॉइंट हो जाता है और वो शिप के शिप डुबा सकता है उससे। अब लूफी इसे इजीली यूज कर पाता है बिना किसी मेजर ड्रॉबैक के। नेक्स्ट है गियर 4, इसे लूफी ने रस्केना में अपनी 2 साल की ट्रेनिंग के टाइम पे डेवलप किया था। रस्केना द आइलैंड ऑफ 48 सीजन जहाँ के बीस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे और उनको ओवरपावर करने के लिए लूफी गियर 4 डेवलप करता है और उन्हें कर भी लेता है ओवरपावर। सीरीज में इस गियर को लूफी फर्स्ट 2 फ्लेमिंगो के अगेंस्ट में यूज करता है ड्रेस रोजा आर्क में, जहाँ पर वो पहले तो अपने हाथ को आर्मेंट हाकी से कवर करता है और फिर उसमें हवा फूंकता है। ये गियर 2 और 3 का कॉम्बिनेशन जैसा है, इसमें 2 की स्पीड और 3 की पावर है पर जैसे वो 3 में अपनी बोन्स में हवा भरता है इसमें लूफी अपनी मसल्स को बड़ा करता है। लूफी इसमें इलास्टिसिटी और कंप्रेशन की एबिलिटी को यूज करता है और वो अपनी आर्मामेंट हाकी को यूज करके खुद की ही पावर को कंप्रेस कर पाता है जिससे उसे एक्स्ट्रा पावर और स्पीड मिलती है और इसको यूज करके लूफी की हाइट भी दुगनी से ज्यादा हो जाती है। गियर 4 को यूज करते टाइम लूफी की एनर्जी बहुत ही ज्यादा बर्न होती है। लूफी ने गियर 4 को 3 टाइप्स में बांटा हुआ है तो तीनों की पावर्स अलग अलग है और मसल कंपोजिशन भी, जैसे कि बाउंस मैन, टैंक मैन और स्नेक मैन। पहला है बाउंस मैन। गियर 4 के इस वर्जन में लूफी अपने अपर बॉडी में एयर को भर लेता है और उसकी अपर बॉडी काफी पावरफुल हो जाती है बट इस फॉर्म में उसके लेग्स पतले होते हैं उसके अपर बॉडी से तो वो प्रॉपरली खड़ा नहीं हो पाता है, इसलिए वो कंटिन्यूसली उछलता ही रहता है एक बलून की तरह जिससे उसकी स्टेबिलिटी बनी रहती है। इस फॉर्म में लूफी की बॉडी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो किसी भी अटैक को एड ऑन ले सकता है और काउंटर करके मोर स्ट्रेंथ से अटैक भी कर सकता है। इस फॉर्म में लूफी को अपना मोमेंटम बनाए रखना पड़ता है, अगर वो लूज हुआ तो लूफी उतना एफिशिएंटली फाइट नहीं कर पाता है। ऐसा नहीं है कि इस फॉर्म में लूफी के डिफेंस को तोड़ना इम्पॉसिबल है, कोई भी अपोनेंट जो आर्मामेंट हाकी को यूज कर सकता हो और अपनी मोर शियर स्ट्रेंथ से लूफी के डिफेंस को तोड़ सकता है, जैसा हमने काइडो के केस में देखा था। जब काइडो लूफी के अटैक को काउंटर करके उस पे कैनबू से अटैक करता है तो लूफी बाउंस होने की जगह दूर गिरता है और बेहोश हो जाता है। नॉर्मल एयर अटैक बहुत ही पावरफुल है बट एक एम्परर लेवल के लिए ये इजी है। बाउंस मैन के अटैक टेक्निक को देखे तो पहला है कॉन्गन, ये लूफी के बुलेट अटैक का गियर 4 वर्जन है जिसे वो अपनी फिस्ट को पूरांस में कंप्रेस करता है और एक एक्चुअल कैनन की तरह और एनिमी की तरह फुल स्पीड में जाता है उड़ता हुआ और उसके पास पहुंचकर एक डेवास्टेटिंग शॉर्ट रेंज पंच मारता है मैसिव पावर के साथ और ये टेक्निक इतनी पावरफुल है कि इसने टोपलिमो के आकी डिफेंस को तोड़कर उसे दूर ड्रेसरोसा कासल से सिटी में फेंक दिया था। कॉन्गन लूफी के गियर 4 का मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अटैक है। अगला अटैक है
राइनो स्नाइडर। इस अटैक में लूफी अपने दोनों पैरों को कंप्रेस करके एक टावर किक डिलीवर करता है जो इतनी पावरफुल होती है कि किसी भी एनिमी को दूर उड़ा दे। इस अटैक को कैनन डी 155C मॉडल 1970 स्नाइडर के ऊपर नाम दिया गया है। इस कैनन को वर्ल्ड वॉर 1 में काफी कंट्रीज यूज किया करती थी। अगला अटैक है कल्वरिन और डबल कल्वरिन, जिसमें अपने सिंगल हैंड या दोनों हाथों को एक पिस्टल की तरह यूज करके अटैक करता है। नेक्स्ट अटैक है कॉन्ग ऑर्गन। इस अटैक में लूप अपने कॉन्ग अटैक को यूज करते टाइम अपने हाथों को ऑरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मूव करता है और काफी स्पीड में, जिससे उसके पंचेस ऐसे लगते हैं कि वो दो एक्स्ट्रा पंचेस को यूज कर रहा हो। ऐसे ही बाउंस मैन के काफी सारे अटैक है, लाइक डियो बजूका, जिसमें वो अपने हाथों को एक साथ जोड़कर थ्रस्ट देता है, और किंग कॉन्ग गन, जो कॉन्ग गन से साइज में बड़ा है। नेक्स्ट है टैंक मैन। ये फॉर्म बाउंस मैन जैसा ही है, बस मोटा बाउंस मैन। ये फॉर्म लूफी ऐसा अटैक नहीं देता है, उसने ये फॉर्म एक बार ही ली है, वो भी क्रैकर के बहुत सारे बिस्किट खा लेने के बाद। तब वो अपने आर्मामेंट हाथी को यूज करके ये फॉर्म लेता है। ये फॉर्म ड्यूरेबिलिटी तो बहुत देता है, बट लूफी इस फॉर्म में हिल नहीं पाता है, और ड्यू टू गियर 4 वो इसमें बहुत ही ज्यादा कैलोरीज बर्न करता है और कुछ ही टाइम में नॉर्मल हो जाता है। इस फॉर्म में उसके हाथ पैर थोड़े बड़े होते हैं और ज्यादा एयर उसके पेट में होती है। ये फॉर्म ऑब्वियसली डिफेंस के लिए बेस्ट है, क्योंकि वो क्रैकर के पियर्सिंग अटैक को डिफ्लेक्ट कर पा रहा था, जबकि क्रैकर लूफी के बाउंस मैन का डिफेंस को इजीली तोड़ दे रहा था। इस फॉर्म में लूफी एक सुमो रेसलर की तरह दिखता है, जिसके हाथ और पैर स्लाइटली थोड़े बड़े हैं साइज ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ मसल, और बॉडी आर्मामेंट हाकी से कवर है। इसके अटैक टेक्निक की बात करें तो ये टेक्निक एक कंडीशनल टेक्निक है, इसके लिए लूफी को कुछ ज्यादा ही खाना पड़ता है। इसका कोई भी खास ऑफेंसिव अटैक नहीं है, बट अगर कोई इस पर अटैक करता है तो लूफी उसे अपने पेट में दबा कर कंप्रेस कर लेता है और उसे ट्रैप कर देता है, और बाद में अपने पेट को एक्स्ट्रा कंप्रेस करके शूट करता है उसे बाहर एक कैनन बॉल की तरह, और लिटरली ये बहुत ही ज्यादा फोर्स से करता है। लूफी ने इसे क्रैकर को दूर उड़ा दिया था, और इस अटैक का नाम है गम गम कैनन बॉल। नेक्स्ट है स्नेक मैन। ये फॉर्म मेरे अकॉर्डिंग लूफी की बेस्ट फॉर्म है गियर 4 की, क्योंकि इसमें लूफी गियर को अपनी पूरी बॉडी की मसल में इवनली डिवाइड करता है, जिस वजह से फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाती है। बट ये स्टेबिलिटी पावर के ऊपर आती है, क्योंकि बाउंस मैन में लूफी को ज्यादा हिटिंग पावर मिलती है, और स्नेक मैन स्टेबल पावर और मोर स्पीड देता है। इस फॉर्म की वजह से लूफी टॉप टियर फाइटर में गिना जाता है। इस फॉर्म में लूफी के हाथ और पैर ही हाकी में फुल कवर होते हैं, और शोल्डर रेस्ट ऑफ द बॉडी नॉर्मल प्रोपोर्शन बनाए रखती है। इस फॉर्म में लूफी की बॉडी से स्टीम नहीं निकलती है, बल्कि उसकी बॉडी में बैक और शोल्डर पे एक स्मोक का स्कार्फ टाइप आ जाता है, और इस फॉर्म में लूफी का पंच स्ट्रेच और डिफ्लेक्ट हो सकता है मिड एयर, और अपने हाथों को स्ट्रेच करके और मल्टीपल टाइम डिफ्लेक्ट करता है अलग अलग डायरेक्शन में, जिससे उसके एनिमी उसके अटैक को प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं, और इससे उसके अटैक की फोर्स भी बढ़ती जाती है। इस टाइप के अटैक को पाइथन कहते हैं, इसलिए फॉर्म है स्नेक मैन, अटैक लाइक अ स्नेक। इस फॉर्म के अटैक उन अपोनेंट के लिए बेस्ट है जो डॉजिंग में एक्सपर्ट होते हैं। इसमें लूफी के अटैक कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट होते रहते हैं जब तक कि वो हिट ना कर दे, और इससे अटैक की पावर बढ़ती है। इस फॉर्म में लूफी की बॉडी का साइज वही होने की वजह से उसका डिफेंस बहुत लो होता है, एज कम्पेयर टू बाउंस मैन और टैंक मैन, जिन अटैक्स को लूफी बाउंस मैन में बाउंस करके डिफ्लेक्ट कर देता है। अगर वो अटैक हिट होते हैं इस फॉर्म में तो वो काफी डैमेज देंगे, बट इस फॉर्म में भी उसके हाथ और पैर मस्कुलर होते हैं, वो भी बाउंस मैन की तरह। अगर हम इसके अटैक टेक्निक की बात करें, इसमें लूफी यूज करता है पाइथन अटैक, जिसमें अपनी रबरी बॉडी और आर्मामेंट हाथी को कंबाइन करके यूज करता है। लूफी अपने अटैक्स को वापस लाने की जगह उन्हें कंटिन्यूस मोमेंटम में रख के अटैक्स करता रहता है। स्नेक मैन में लूफी के अटैक्स का एक्सेलरेशन बढ़ता ही रहता है जब तक कि वो उन्हें वापस न ले ले। नेक्स्ट अटैक है जेट क्लेवरिंग। यह अटैक बाउंस मैन के क्लेवरिंग का फास्ट वर्जन है। इसमें बाउंस मैन की पावर और पाइथन का डायरेक्शन बदलने का स्टाइल को कंबाइन करके अटैक करता है, और इस अटैक ने काटाकुरी को दीवार में चिपका दिया था। अगला अटैक है ब्लैक मांबा। इस अटैक में लूफी अपने दोनों हाथों को कंप्रेस करता है और फिर एक रैपिड फायर अटैक लॉन्च करता है अपने हाथों के अप एंड डाउन मूवमेंट के साथ, जिससे मल्टीपल आर्म्स शो होते हैं जेट क्लेवरिंग की तरह, बस इसमें अटैक की डायरेक्शन कंटिन्यूस चेंज होती रहती है, और इसकी रैपिड मूवमेंट की वजह से इससे बचना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगला है किंग कोबरा। इस टेक्निक में लूफी अपने हाथों को कंप्रेस करके अटैक रिलीज करता है, बट ये कोई डायरेक्ट अटैक नहीं है, ये एनिमी के अराउंड एक लूप बना देता है, जिससे उसे एक एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन मिलता है, जिससे उसका मोमेंटम भी बढ़ता है, और वो अपने फिस्ट का साइज बढ़ा लेता है, जिससे इस अटैक का फोर्स भी काफी गुना बढ़ जाता है, और इस अटैक से लूफी ने काटागुरी को हरा दिया था। नेक्स्ट है हाइड्रा अटैक। इस अटैक में भी रैपिड फायर 25 यूज होते हैं मांबा की ही तरह। यह अटैक एक डायरेक्शन में यूज किया जाता है फॉर मोर एजाइल एनिमीज। इस अटैक में एडवांस ऑब्जर्वेशन आकी यूज की जाती है, जिससे इसे डॉज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, नियरली इम्पॉसिबल, जब तक एडवांस ऑब्जर्वेशन आकी
ना यूज की जाए सामने से। इस अटैक में ओपोनेंट को ऐसा लगता है कि अटैक हर साइड से आ रहा है, जिस वजह से इसको प्रेडिक्ट करना वो भी बिना एडवांस हॉकी के इम्पॉसिबल हो जाता है। गियर 4 को ज्यादा यूज करने के बाद लूफी 10 मिनट तक अपनी हॉकी को यूज नहीं कर पाता है। अपने इतने पावरफुल गियर्स के साथ भी लूफी काइडो को नहीं हरा पाता है, और उसके हारने के बाद लगता है कि अब यहाँ पर काइडो जीत गया। लेकिन फिर हमें रिवील होती है लूफी के फ्रूट की ट्रू आइडेंटिटी, कि उसका फ्रूट गम फ्रूट नहीं है बल्कि मिथिकल जोन फ्रूट है, जिसका रियल नेम है इटो इटो नोमी मॉडल निका। मतलब ये फ्रूट सन गॉड निका का फ्रूट है, और इस फ्रूट की अवेकनिंग को ही गियर 5 कहा गया है। और इस फ्रूट की एबिलिटी सच में ब्रोक है, मतलब इस फ्रूट की एबिलिटी है इमेजिनेशन को रियलिटी में ले आना। हम सब सोच रहे थे कि लूफी का गियर 5 उसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना देगा, बट ये एबिलिटी पावर की डेफिनेशन को ही बदल दे रही है। क्योंकि जब 5 एल्डर्स इस फ्रूट की एबिलिटी को लेकर परेशान है, तो कुछ सोचो ये बात गौर करने लायक है कि नहीं। लूफी अपने गियर 5 के साथ कभी भी किसी से भी फाइट कर सकता है, न पानी का डर, न पावरफुल अटैक होने का डर। यह अवेकनिंग लूफी के पावर के नए गेट खोल देती है। इस फॉर्म में लूफी की हार्ट बीट एक ड्रम की रिदम पे बीट करती है, साउंड ऑफ लिबरेशन। इसमें लूफी के बाल व्हाइट हो जाते हैं और गियर 5 में उसकी आउटफिट बदल जाती है। अब जो हमने लूफी और काइडो की फाइट में देखा कि लूफी ने क्या क्या किया, क्योंकि अभी भी लूफी को उसके फ्रूट की रियल पावर नहीं पता है। काइडो के अगेंस्ट जब लूफी पहली बार इस फॉर्म को लेता है, वो अपने सराउंडिंग को रबर का बना देता है, और जब काइडो उसको खा लेता है तो वो उसको भी रबर का बनाकर उसकी आंखों में से अपने हाथों को बाहर निकालकर खुद को बाहर ले आता है। ये चीज सुनने में जितनी अजीब लगती है, देखने में उतना ही मजा आता है। और काइडो जब लूफी को हिट करता है तो लूफी की आंखों का सेम टॉम एंड जेरी की तरह बाहर आ जाना, जो कि नॉस्टैल्जिया हिट करता है। इस स्टेज में लूफी काइडो के साथ फाइट की तरह एफर्ट नहीं डाल रहा था, वो बस एंजॉय कर रहा था जिस चीज के लिए उसका फ्रूट है लिबरेशन। काइडो के स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग अटैक लूफी झेल ले रहा था और तुरंत काउंटर भी कर रहा था, और वो भी मोस्ट क्रिएटिव वे में। लाइट बीम यूज कर रहा था, थंडर को पकड़ रहा था, और मेरा फेवरेट वो जायंट बनना। इस तरह की फाइट वैसे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। हम सब गियर 5 के लिए एक सीरियस फाइट को सोच रहे थे, बट होडा ने ऐसी फाइट डिलीवर की जो काफी इंटरेस्टिंग और फनी थी। इस गियर का एक ही ड्रॉबैक है कि ये बहुत ही ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है और बहुत फास्ट ड्रेन करता है, जो कि हम फाइट में देख पाते हैं। लूफी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो मरने ही वाला है। हमें उसकी हालत में एजिंग वाला फैक्टर भी देखने लगता है, बट फाइट ओवर होने के बाद वो नॉर्मल हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। भले ही लूफी को अपनी रियल एबिलिटी के बारे में अभी पता ना हो, बट वो अपनी मर्जी से गियर 5 की फॉर्म को ले सकता है, जैसा हम एगहेड आर्क में देखते हैं। और ये चीज बहुत ही बढ़िया है कि लूफी अपनी विल से इस फॉर्म को ले सकता है। तो ये थी अब तक के लूफी के सारे गियर्स और उसकी पावर अप्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में।